सो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों आज को हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन आप कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। सो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन है या दोस्तों आपके फ़ोन में नहीं है तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, तो दोस्तों आज के समय हम आपको A to Z प्रोसेस लाइव करके बताने में लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन में ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सो दोस्तों अगर आपके फोन में ग्रो एप्लीकेशन नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आपको वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इस तरीके से अपने फोन में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना दोस्तों। जब अपने फोन में इस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो आपके फोन में इस तरीके से आपका जो ग्रो एप्लीकेशन है प्रॉपर इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको लोन अप्लाई करना है, पर्सनल लोन अप्लाई करना है। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना, प्रोफाइल पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको कहीं पे भी आपको लोन का ऑप्शन नहीं शो होगा। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कहीं पे भी आपको लोन का ऑप्शन नहीं शो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद में अब आपको दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको शो होगा दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे म्यूचुअल फंड और यहाँ पे पे का। तो दोस्तों पहले आपके ग्रो एप्लीकेशन में यहाँ पे एक लोन का ऑप्शन हो रहा था, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों केवल आपको यहाँ पे SIP और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से ऑप्शन हो रहा है, बट दोस्तों यहाँ पे लोन का ऑप्शन नहीं हो रहा है। जैसे दोस्तों आप ऐसे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों मोबाइल रिचार्ज, चेक बैलेंस और दोस्तों यहाँ पे UPI ID आपका शो हो जाएगा, बट दोस्तों यहाँ पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है पे लोन EMI का। सो दोस्तों अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए हैं तो आप लोन यहाँ पे EMI पे कर सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगर आपके भी ग्रो एप्लीकेशन में लोन का ऑप्शन नहीं सो रहा तो आपको लोन कैसे मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ से वैक आना है। वैक आने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन अपने डायलर पैड को इस तरीके से ओपन करना और आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ग्रो कस्टमर केयर से आपको बात करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर कॉल करना है और दोस्तों आपको वहाँ से आपको लोन वाला ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हमसे क्या करेंगे, इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमसे क्या करेंगे दोस्तों, इस पे कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रो के पास मेरा कॉल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा कि हमको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 6 आपको एंटर करना है, वेल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में कस्टमर के पास आपको जो कॉल है पे जा रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। हेलो जी सर, मेरा नाम है सर, हम ग्रो एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं। जी सर। हाँ सर, तो लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं बट ग्रो एप्लीकेशन में लोन का ऑप्शन नहीं आ रहा, फीचर्स नहीं है ग्रो एप्लीकेशन में। पहले सर उसमें शो हो रहा था बट अब शो नहीं हो रहा है। जी सर, अगर आपको पहले शो हो रहा था और अब शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जो लोन का ऑफर है आपके पास से जा चुका है सर, अब आपके पास लोन का कोई ऑफर नहीं है सर, तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अच्छा सर, ऐसा है। जी सर, क्योंकि जब जब ऑफर से होता है आपके पास तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। अच्छा सर, सर ग्रो एप्लीकेशन में लोन का ऑफर से होगा तभी अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे ग्रो एप्लीकेशन से। जी सर बिल्कुल सर। सर अगर लोन का ऑफर नहीं सो रहा तो कैसे मिलेगा, ऐसा कोई सलूशन है सर? नहीं सर, कोई सलूशन नहीं है, सिस्टम की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अच्छा सर, तो जब सिस्टम की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा तब आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे सर। सर अगर कोई सलूशन हो तो कर दीजिए। सॉरी सर, कोई सोल्यूशन नहीं है सर, पूरी तरह से सिस्टम के ऊपर रहता है सर। जी सर जी, तो सर नहीं मिलेगा ग्रो एप्लीकेशन में, जब लोन का ऑप्शन होगा तभी लोन मिलेगा। जी सर, जब ऑप्शन होगा तभी आपको लोन मिलेगा। जी सर, चलिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, कॉल किया सर, एक दफा जाना अगर आप जानते हैं संतुष्ट अपने फीडबैक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो दोस्तों यहाँ पे हम ग्रो एप्लीकेशन कस्टमर केयर से बात किए हैं। तो दोस्तों अगर आपके ग्रो एप्लीकेशन में लोन वाला ऑप्शन शो होगा तभी दोस्तों आपको ग्रो एप्लीकेशन से लोन मिलेगा और आपको 101% दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन से लोन मिलेगा। सो दोस्तों अगर आपके ग्रो एप्लीकेशन में लोन वाला ऑप्शन शो हो रहा है तो अगर दोस्तों आपके ग्रो एप्लीकेशन में लोन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है नहीं शो हो रहा है तो दोस्तों आपको ग्रो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चेक करना है कि आपके ग्रो एप्लीकेशन में लोन वाला जो ऑप्शन है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दोस्तों अगर आपके ग्रो एप्लीकेशन में लोन वाला ऑप्शंस आ रहा है तो दोस्तों आपको ग्रो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन तुरंत मिल जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके ग्रो एप्लीकेशन में लोन वाला ऑप्शंस आ रहा है तो इस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यहां पे दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।